नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इज माई पैसन का हिंदी वर्सन। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप यूनिवर्सल सॉयल मिक्स बनाएंगे, जो आपके छत के बागान के लिए या फिर बैल्कनी के बागान के लिए जो यूनिवर्सल सॉयल मिक्स होना चाहिए। तो इसमें तीन कैरेक्टर होना चाहिए। पहले कि ये सॉयल बहुत ऑयल ड्रेन होना चाहिए, इसमें पानी का निकास बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा है उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है पोषक पदार्थ का बहुत अच्छी तरह से मिलना चाहिए। और तीसरा है ये उसका बहुत हल्का होना चाहिए, क्योंकि ये जो छत में हम करते हैं बागवानी, तो उसमें काफ़ी सारा जो पॉट्स में वेट होता है, मिट्टी का वेट होता है, गमले का वेट होता है। और सारे जब हम 40, 50, 100 गमले हम छत में रख देते हैं, तो छत के ऊपर सर्टेन जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है उसके ऊपर काफ़ी वो प्रेशर देते हैं। तो हमारे लिए इसलिए हिसाब करना पड़ता है, इस तरह से हम पॉट सिलेक्शन करें ताकि वो हल्का हो। तो मैं जो गमले हम यूज़ करते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं, प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्लास्टिक का पॉट रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि प्लास्टिक का पॉट काफ़ी हल्के होते हैं। वैसे भी जो मिट्टी के गमले होते हैं काफ़ी वेट हो जाता है उसके लिए, तो मैं प्लास्टिक का गमला अगर यूज करेंगे तो काफ़ी हल्का रहेगा आपके लिए। और जो सॉयल मिक्स आप यूज करेंगे, सॉयल मिक्स होना चाहिए बिल्कुल हल्का, ताकि वो वेट छत में या बैल्कनी में वेट काफ़ी कम दे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे आप छत में लगा सके। ज़्यादा वेट होगा तो आप छत के ऊपर जो वजन होगा छत बहुत नुकसान हो सकता है। तो मैंने जो सॉइल मिक्स ले रहा है, ये गार्डन सॉइल, कोई भी आपके इलाके में जो भी गार्डन में जो मिट्टी है वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी तरह के गार्डन सॉइल। दो हिस्सा गार्डन सॉइल लेंगे, दो हिस्सा हम लेंगे उसमें कोकोपीट, क्योंकि कोकोपीट बहुत हल्का होता है और बहुत अच्छा सॉइल कंडीशनर होता है कोकोपीट। और उसमें एक पार्ट हम यूज करेंगे भार्मी कॉम्पोस्ट, भार्मी कॉम्पोस्ट भी काफ़ी हल्का होता है। उसके साथ हम काउडंग कॉम्पोस्ट ले लेंगे एक हिस्सा, और उसके साथ एक हिस्सा लेके पत्ते की खाद लीप मोल्ड जो बोलते हैं, बहुत हल्का होता है। और 4 टीस्पून फुल हम लेंगे बोन मील, हड्डियों का चूरा, और 2 टीस्पून फुल लेंगे हम इसमें नीम के। तो आपके पास बोन मील नहीं है या नहीं चाहिए तो आप नहीं भी दे सकते हैं, वो ऑप्शनल है। तो मैं इसमें थोड़ा गार्डन के सॉयल में कोकोपीट डाल रहा हूँ, और अब इसमें डाल देता हूँ मैं भार्मी कॉम्पोस्ट में डाल देता हूँ। इसमें भार्मी कॉम्पोस्ट देने के बाद अच्छी तरह से इसको मिला लूँगा। आपने ध्यान दिया होगा मैंने नया ग्लव्स खरीदा हमारे केमिस्ट शॉप से, तो आपको कैसा लगा ये मेरा ग्लव्स ये ज़रूर बताइएगा। तो ये अच्छी तरह से आप मिक्स करिए। ये जो मैं बना रहा हूँ ये 7 या 8 इंच के गमले में 2 गमले तैयार हो जाएंगे इसमें से आपके मिट्टी। और इसके साथ मैं आप ऐड करूँगा काउडंग कॉम्पोस्ट, ये काउडंग कॉम्पोस्ट मैंने इसमें डाल दिया है पीछे, और ये अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। और इसका मैं देता हूँ इसमें लीप मोल्ड, जो हम पत्ते की खाद बोलते हैं, सड़े हुए पत्ते की खाद जो होते हैं, बहुत हल्की होती है, बहुत उपजाऊ होती है, बहुत अच्छी होती है। इसी तरह से मैं यूज़ करूँगा। अब जब भी ये सॉयल में काम करें तो थोड़ा कोशिश करें कोई ग्लव्स खरीद लें, कोई केमिस्ट शॉप में मिल जाएगी या फिर कोई गार्डन स्टोर में मिल जाएगी। और उसमें मैं अब 4 टीस्पून फुल बोन मील दे दूँगा, हड्डियों का चूड़ा। आप चाहते हैं तो दे भी सकते हैं, नहीं चाहते तो नहीं भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, काफ़ी 3 महीने के बाद से एक्शन शुरू करता है और सालों साल ये चलता रहता है, काफ़ी इसका डिग्रेड होता रहता है, तो काफ़ी कैल्शियम और फॉस्फोरस इसमें मिल जाते हैं पौधे को। और उसके साथ में मैं ऐड करूँगा 2 चम्मच इसमें नीम केक पाउडर। नीम केक पाउडर में क्या है कि एंटी फंगल एजेंट होता है, तो काफ़ी सारे इसमें कोई भी आपका फफूंदी का अटैक नहीं होगा, फंगस का अटैक नहीं होगा, और रूट रोट नहीं होगा। सबसे ज़्यादा होता है कि जड़ें जो सड़ जाती है, जड़ें नहीं सड़ेगी, और उसमें जो चींटियों का जो अटैक होता है, चींटियों का अटैक नहीं होगा। तो इसमें नीम केक पाउडर जरूर मिला दे थोड़ा सा, तो इसमें होता है कि काफ़ी सारे प्रिवेंशन का काम हो जाएगा, इन्फेस्टेशन का जो है इंसेक्ट इन्फेस्टेशन या फिर रूट रॉट जो फंगल इन्फेक्शन है वो नहीं होगा। तो अच्छी तरह से मैं इसको मिला लेता हूँ, ये आपका तैयार हो गया। अब मैं गमले में भर लूँगा इसको, 2 गमले में भर लूँगा। ये तो छोटा 6 इंच का गमला है, अगर आप चाहते हैं तो 7-8 इंच का गमला में 2 गमले में भर सकते हैं। तो ये कर ले करिए 1 इंच ऊपर खाली रख दे, ताकि इसमें पानी का जमावड़ा ठीक हो सके। और ये देखता हूँ मैं, और इसको अच्छी तरह से इसको टैप कर लें। टैप करने से क्या होगा, इसका एयर पॉकेट हट जाएगा, तो पौधे ग्रो करने में अच्छे हो गए, रूट ग्रो करने में अच्छा होगा। तो दूसरा पॉट भी मैं इसमें भर लेता हूँ। ये सबसे अच्छा पॉटिंग में से यूनिवर्सल सॉइल मिक्स है। हालांकि आप कैक्टस या एडनिया में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादातर पौधे में, फल के या फूलों के पौधे में, ज़्यादातर में इसके ये पॉटिंग मिक्स आप जो भी टेरेस में या फिर बैल्कनी में यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें जो भर लिया हूँ, अब इसको मैं पौधा लगा दूंगा। जो भी पौधा मेरे पास है मैं पौधे लगा के दिखाता हूँ।
तो दोस्तों ये जो है मेरे पास एक फ्रेंच मेरीगोल्ड का पौधा है। इसको मैं पौधे को पॉटिंग करके दिखाता हूँ इसको। और ये थोड़ा सा जहाँ पर से पौधे लगाएंगे थोड़ा मिट्टी का गड्ढा कर ले थोड़ा सा, ताकि ये पौधे को बिठा सके। रूट बॉल समेत इसको बिठा दूंगा। इसको रूट बॉल का मैं बिल्कुल नहीं उठाऊंगा, नहीं तो क्या होगा, वो सॉक में चला जाएगा पौधा। और इसी तरह हाथ हल्के हाथों से अच्छी तरह से दबा दे इसको। और इसके दूसरे पौधे है, दूसरे पौधे भी लगा रहा हूँ। मेरे पास एक सिलोसिया का पौधा है, सिलोसिया का पौधा मैं लगा देता हूँ। तो इसको इस तरह से आप, मैं रूट बॉल निकाल के मैं इसको बिठा देता हूँ सिलोसिया के पौधे को। और ये अच्छी तरह से हाथ से दबा के मिट्टी से दबा दूंगा अच्छी अच्छी तरह से। और ध्यान रखें ऊपर करीब 1 इंच का जगह रखेंगे तो आपका पानी वानी देने में सुविधा होगा, अच्छी तरह से ग्रोथ करने में या फिर गुड़ाई करने में सुविधा होगा। तो ये तो मैंने सारा डाल दिया है, अब इसको मैं अच्छे से पानी डाल दूंगा इसको। और ये आपका यूनिवर्सल सॉइल मिक्स है, कोई भी फूल का या फूलों का पौधा आप लगा सकते हैं, जो आप टेरेस में यूज करते हैं या फिर कोई बैल्कोनी में यूज करते हैं, ये सब अच्छे। बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि ये टेरेस के लिए, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि टेरेस की सॉइल मिक्स कैसी होती है, जो हम गार्डन में नीचे लगाते हैं उसके थोड़ा सा अलग है। तो और या फिर बैल्कोनी में भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बैल्कोनियों में रूट जो लोड बियरिंग कैपेसिटी एक सर्टेन लिमिट की होती है। तो अगर आपके पास इसमें एक दो इंग्रेडिएंट नहीं है तो इस रेसिपी में आप थोड़ा चेंज भी ला सकते हैं, अपना बदलाव कर सकते हैं आपके जगह के अनुसार, आपके सामान के उपलब्धता के अनुसार। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए। और अगर चाहते हैं तो यार दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूले वीडियो। और इस गार्डनिंग में पैसे नहीं, हिंदी भाषा में नए हैं तो ज़रूर ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को। मैं आगे आगे चल के बहुत कुछ वीडियो देने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चैनल में आते रहिए।